महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था। सुबह खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। कुछ ही देर बाद फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार के साथ शपथ ले ली। लेकिन इस शपथ ग्रहण के बाद राज्य की राजनीति तेज हो गई। सरकार बनाने की कवायद में जुटी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इस घटना के बाद पूरी तरह से हरकत में आ गई। और रात होते होते शरद पवार की ओर से इन दलों को आश्वासित किया गया कि सब कंट्रोल में है। अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार दावा करते हैं कि सब ठीक है, तो ऐसे में माना जाए कि लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के चक्कर में बीजेपी कहीं भंवर में तो नहीं फंस गई। अजीत पवार के साथ फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि राज्य में नव नियुक्त सरकार का एनसीपी समर्थन नहीं करती है। यहाँ तक कि शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन विधायकों को भी पेश किया जो अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे। एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से आरोप लगाया गया कि अजीत पवार ने एक चिट्ठी के बल पर पूरा खेल रचा। पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में अजीत पवार के पास सभी पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर थे और वह यही चिट्ठी लेकर राज्यपाल के पास चले गए। इसी चिट्ठी को अजीत पवार ने विधायकों के समर्थन के रूप में पेश किया। एनसीपी विधायक राजेंद्र सिंघने ने बताया कि अजीत पवार ने 8 से 10 विधायकों को फोन किया और उन्होंने धनंजय मुंडे के बंगले पर आने को कहा। जब हम सब बंगले पहुंचे तो वहां से हमें राज्यपाल निवास ले जाया गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता था कि राज्यपाल निवास क्यों ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक देवेंद्र फडणवीस आए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सीएम देवेंद्र फडणवीस के बाद अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शरद पवार की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि जिस चिट्ठी को अजीत पवार ने राज्यपाल भगत सिंह को सौंपा था, उस चिट्ठी पर 54 विधायकों के हस्ताक्षर थे, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया। शपथ ग्रहण के बाद मुंबई में जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी रही। शरद पवार ने एनसीपी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया कि सभी विधायकों के आने के बाद ही बैठक शुरू होगी। शरद पवार ने काफी देर तक इंतजार किया और फिर जाकर बैठक शुरू की और अपने भतीजे को पार्टी विधायक दल के नेता से बेदखल कर दिया। अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में दिखने वाले धनंजय मुंडे शाम को शरद पवार की बैठक में शामिल हो गए। बैठक में एनसीपी के विधायक दल के नए नेता चुने गए। जयंत पाटिल ने दावा किया कि बैठक में 54 में से 42 विधायक शामिल हुए, जबकि 7 विधायक संपर्क में हैं। रविवार को होने वाली बैठक में 49 विधायक शामिल होंगे। हालांकि 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।